राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो मैं आई थी अमरूद तोड़न के लिए। मैं रोज़ इसमें तरह एक अमरूद तोड़ के खा लूँ, और अभी टाइम हो रहा है 8:15 बजे के आसपास, 8:30 हो गए। मैं रोज़ इसमें तरह एक अमरूद तोड़ के खा लूँ, क्योंकि भाई है ना, भाई ने दिख जाए तो वो खा लेना तो मैं खा लूँ। और गुड़गांव में कई दिन से मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है। सुबह भी बारिश आई थी, अरीब इतनी तेज़ घामली कर रहा है, बहुत तेज़, अब बाहर ना निकला जाता। आज सुबह बारिश आई है बहुत तेज़, 5:30-6 बजे के आसपास, और 2-3 दिन तक हवा भी चलन लग रही है आंधी सी। देखो ये कड़ी पत्ते के पेड़ का क्या हाल होगा बेचारे का, पूरा झुक गया। ये कितना बड़ा पेड़ था ना, काफ़ी बड़ा पेड़ था ये, और ये पूरा झुक गया। देखो इसमें डंडी बांधनी पड़ेगी, यो आंधी तो झुक गया। और ये कीड़े मम्मी ने पड़वा दिए सारे, देखिए आपको, देखो सारे कीड़े पड़वा दिए मम्मी ने, क्योंकि फिर जड़ फैल जाती ना उस तरफ, इस वजह से। और अमरूद भी बहुत मोटे मोटे लग रखे हैं, काफ़ी सारे अमरूद लग रहे हैं। हम रोज़ बसने में देखे जा रहे हैं आज कौन सा अमरूद पक्या पाओगा, आज कौन सा अमरूद पक्या पाओगा। आज ये पा लिया मैंने कच्चा ही, तो आधा पीड़ा है कच्चा है। और मैं लगाने लग रही थी झाड़ू, मेरी झाड़ू भी नहीं है पड़ी है, देखो अदम पड़ी है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ना आप लोगों को कुछ दिखाने की सोच रही थी, बट रोज़ भूल जाऊँ थी। अब झाड़ू लगाते लगाते मेरे याद आई कि नहीं, आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो झाड़ू मैंने पहले बीच में छोड़ दी, मगर पहले आप लोगों को दिखाती हूँ। हमारे घर में ना एक सीक्रेट रूम है, जिसका आज तक किसी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं, बच्चों ने इन्वेंट किया। तो चलो आप लोगों को सीक्रेट रूम दिखाती हूँ मैं बच्चों का है। और ये इतने बावले हो रहे हैं, घाम में लाग के हम भीतर बैठे रहे हैं। और ये तीनों के तीनों लक्की, दिया, मनु, तीनों के तीनों यहाँ अपना ये सीक्रेट रूम बनाई जाए। ये देखो ये है वो सीक्रेट रूम इनका। और ये है लड्डू, ये कालीन ने केक रहा है, कुर्सी वजह टूट गई, एक कुर्सी टूट गई कल, नुकसान कर दिया मैंने बहुत भारी, कुर्सी तोड़ दी। उस पर मेरी मट्टी इकट्ठी कर रखी है, गार सी बनाकर ये लड्डू बनाने लग रहे हैं। और ये देखो ये बना रखे, और भी ये सुखा रखे बना बना कर लड्डू इनने। और देखो एक मिनट को बैठ के दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जो ईंट लगा रखी ना, ये कुर्सी है इनकी, या बेंच बना रखे इनने। और वो सामने जो फट्टा लगा रखा है वो टेबल है, और मेरे को लग रहा है कि शायद वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वो टेबल है इनका, वो फट्टा लगा कर ऊपर देखो ईटा तो दाब रखा है वो। और ये जो टेप रखी है ना मम्मी के पास, 3-4 पैकेट टेप रोल थे, 3-4 टेप रोल थे, सारे बर्बाद कर दिए इनने। और ये यहाँ इनकी रखी है गन, और ये इनका पता नहीं क्या करे जा है, तीनों के तीनों कबाड़ी, तीनों एक जैसे है। अरे देखो ये और बना रखे हैं लड्डू, ये देखो मेरा ना की करेंगे इन लड्डुओं का। और रोल दिखाऊं, अरे बाप रे, ये देखो ये लगो रखी बाल्टी, ढक रखी है बाकायदा। ये देखो बाल्टी भर का लड्डू, किसे लड्डू खाने होता आज ही हो, मारे नीले लड्डू बन रही है, मरे नीले लाटू बन रहे हैं आज ही, किसी ने खाने हो तो ढक दो उल्टे, या बाल्टी भी तोड़ दी मारेगी मेरी माँ देखेगी जब। देखा आप लोगों ने हमारे घर का सीक्रेट रूम, ये खड़े ले भारी सीक्रेट रूम का। अरे टेप ले चालू, सारी टेप बर्बाद कर दी छोरे ने, सारी यह रोल थे मम्मी द्वारा, सारी ने सत्यानाश कर दिया सारी का। और चलो एक मैं ना फटाफट झाड़ू लगा लूँ, झाड़ू लगा के और फिर मैं करूँगी नाश्ते की, खाने की, किसी भी चीज़ की लगा लो, क्योंकि बालक तो सारे ही बस सोने लग रहे हैं, बालक उठे ना है, बालक तो उठेंगे वो 10-11 बजे, क्योंकि आज सैटरडे है, क्लासेस है नहीं। और मेरे नाक पे क्यों हो गया, फुंसी होगी, तो बालक तो उठेंगे 10-11 बजे, वे उठेंगे जी, पे रोटी राटी खाएंगे, तो मैं बनाऊंगी अभी पनीर। और हमने जाना है एक बारी मार्केट होकर आऊँगे, क्योंकि सूट साट लेकर आने हैं, पीज आ रखी हैं, पीज आ रही हैं, हाँ रखी हैं नहीं, पीज आ रही हैं। और
और आप लोगों को पता ही है कि तीज त्यौहार पे बहन बेटियों को दिया ही जाता है, और मेरा भी जान का टाइम आ गया। तो आज मम्मी यूँ कहती है कि अपने सूट साट लिया बाजार से, तो देखो अकेली मैं जाऊंगी या मम्मी भी जाओगी साथ में, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन मार्केट का मैं आज की वीडियो में शेयर नहीं कर रही हूँ, वो मैं शेयर करूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं फटाफट से एक बारी यहाँ से झाड़ू पूरा कर लेती हूँ, झाड़ू पूरा करके और फिर चलते हैं सीधा किचन में पनीर की सब्जी बनाने के लिए। आज बहुत सिंपल तरीके से पनीर बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करूंगी, ठीक है? तो चलो फिर फटाफट से बड़ी झाड़ू पूरा। और झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। तो पनीर में बनाऊंगी घी में, क्योंकि बटर नहीं है, ख़त्म हो रखा है। तो घी गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और ये प्याज मैंने क्रश कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। और इस प्याज ने मैं भून लूँगी, इससे मैंने 3-4 डोडी लहसुन की भी गेर ली थी प्याज में ही। और जब मेरा प्याज भुन गया तो इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, और इस टमाटर में मैंने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और 3-4 पीस काजू के डाल रखे थे। और इसी में थोड़ा सा पानी डाल के जार मैंने धो के इसी में डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दी हींग, हल्दी पाउडर और नमक, और थोड़ा सा इसमें मैं हल्का सा पनीर मसाला डालूंगी। आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ऐसा कंपल्जन नहीं है पनीर मसाले का। और अब मैं इसको ढक के पका लूँगी, जब तक पूरा जो मसाला है वो कढ़ाई नहीं छोड़ जाता है, इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। तो जैसे ही मेरा मसाला पक गया मैंने इसमें डाल दिया पानी, और पानी मैंने उस हिसाब से डाला जिस हिसाब से मेरे को ग्रेवी करनी है। तो मेरे बच्चे पनीर नहीं खाते हैं, मम्मी डैडी भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो बस मैं, मनु, दिया, भाभी, हम ही 4 जने हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पनीर बनाया है, ये आधा पैकेट है, पूरा पैकेट भी नहीं बना रही हूँ मैं, तो आधा पैकेट ही बनाया है, बस हम चारों ही खाएंगे। तो जब मेरी ग्रेवी थोड़ी सी पक गई थी तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर, और अब मैं इसको वापस से ढक के पकाऊंगी ताकि जो मसाले हैं, ग्रेवी है, वो अच्छे से पनीर एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले अच्छे से, पनीर के अंदर सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तो इसको मैं ढक के फिर से पका लूँगी, और 5-7 मिनट के बाद आप ये देखो कि ये जो ग्रेवी है इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने लग रहा है, और मेरी सब्जी बहुत अच्छे से पक गई है। लेकिन ये मेरे को थोड़ी सी कच्ची लग रही है, तो मैं इसको थोड़ी सी देर और पकाऊंगी। आप अपने हिसाब से पनीर की सब्ज़ी को पका सकते हो, वैसे पनीर की सब्ज़ी पकने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी पनीर पक के तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे को ये थोड़ी सी अभी कसर सी लग रही थी इसमें, क्योंकि झाग से थे तरी पे थोड़े से, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा ढक के पकाया है। और अब आप देखो इस पर अब झाग नहीं है, ये मतलब ऐसा मेरे को लगता है कि जब तक आपकी कोई भी इस तरीके से सब्जी बॉयल की हुई सब्जी या पनीर बनाते हो ना, तो जब तरी पे झाग रहते हैं तो वो पकती नहीं है, जब तक उसके झाग ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमें उस सब्जी को पकाना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब जब मेरी सब्जी पक गई थी तो मैंने इसमें डाल दी है मलाई, और ये फ्रेश मलाई है दूध की, आप क्रीम भी ले सकते हो, आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। टमाटर भूनते टाइम इसमें 1 कप दूध भी डाल सकते हो, तो उसमें भी बिल्कुल क्रीम जैसा ही टेस्ट आता है। गैस मैंने बंद कर दी, और अब मैं इस पर डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, कसूरी मेथी मैं कस्तूरी मेथी बोल ले करूँ। तो अब ये डाल के मैं इसको ढक के रख दूँगी, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। दिया आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो मार्केट में हो आई हूँ, और मार्केट से मैं लेके आई हूँ 2 सूट, और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया आज मार्केट में, सिर्फ 2 सूट लेके आई हूँ। गई थी और आई थी क्योंकि छोटी वाली भाभी के साथ गई थी मैं, उसको डॉक्टर के पास जाना था तो उसके साथ गई थी, बस गए थे और आए थे, 2 ही सूट लेके आई।
और कई बार बोल दिया। और मेरे को ना इस वीडियो का एंड करना है, ये वीडियो आई थिंक आप लोगों तक कल आ जाएगी, कल नहीं आई तो फिर परसों आएगी। और आज ही मेरे को एक कमेंट आया था कि आपकी वीडियो में मम्मी मतलब बच्चे दिखते हैं, भाई भाभी नहीं दिखते हैं, तो क्या भाई भाभी आपके मम्मी के साथ नहीं रहते हैं, अलग घर में रहते हैं? तो मैं आप लोगों को ना आज भाभी दिखा देती हूँ और मैं ये बताती हूँ कि भाभी क्यों नहीं आती है। भाई देखो, भाई मेरा भाई भी कंफर्टेबल नहीं है वीडियो में। और यार मैं नहीं समझती कि जब हम वीडियोस कर रहे हैं तो अगर हमारे घर का कोई जेंट्स कंफर्टेबल नहीं है तो हम ज़बरदस्ती उनको वीडियो में लेके आए या छुप के वीडियो शूट करें या छुप के उनको अपनी वीडियो में ले लें, तो वो अच्छा नहीं लगता है, है ना। और उन्होंने लिखा भी था कि यार प्लीज़ माइंड मत करना। तो देखो, माइंड करने जैसी कोई बात नहीं है, ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, जो आपके माइंड में बातें आ रही हैं वो क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो आज मामा का बेटा है मेरा, उसको हमने ही पाला था, वो छोटा सा था तो उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, आई थिंक वो एक साल का ही था, एक साल से भी छोटा ही था, कितने का था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि उस टाइम मैं भी बहुत छोटी थी। तो उसको फिर हम लोग ले गए थे उसकी मम्मी एक्सपायर होने के बाद, तो उसको हम ही ने मतलब पढ़ाया लिखाया, उसका अभी बिजनेस भी बड़े वाले भाई ने ही सेटअप करके दिया था, उसकी शादी वादी सब हमने ही की थी। और वैसे मेरी मम्मी उसकी बुआ लगती हैं, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो बुआ नहीं बोलती, वो मम्मी ही बोलती है मेरी मम्मी को। तो वो भी आ जाए हुए थे, उसी के साथ गई थी मैं डॉक्टर के पास, तो वो भी आ जाए हुए थे, उनकी भी मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट करी है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। और अभी मैं आप लोगों को ना भाभी से मिला देती हूँ, किचन में है और आप लोग देख लो और वही बता देगी कि वो वीडियोस में क्यों नहीं आती है, है ना। तो मैं भाभी से मिलवा देती हूँ आपको एक बारी। देखो ये री भाभी और जिसको बनाना आ जाओ मेरे साथ भाई, जो जिसको इसका खाना बनवाना है आ जाओ, गर्मी में खाना बना रही है ये। और अभी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए हुए थे, वो गए हैं, तो वो चाय वाय के पतीले ऐसे ही रखे अब मांझी की है। तो ये देख लो भाई, वो शिकायत आई है तू वीडियो में क्यों नहीं दिखती। मैं इनविजिबल ठीक हूँ यार। इनविजिबल ठीक है, थोड़ी सी विजिबल हो जाएगा। तो ये देखा, सुन लिया आपने, वो इनविजिबल ही ठीक है, वो कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरा के सामने वीडियोस में आना। वैसे मैंने काफी बार आप लोगों को वीडियो में मिलवाया भी है उससे, है ना। और दो घर का क्या सीन है हमारा, एक घर यहाँ है एक घर वहाँ है, आपको मैं कभी यहाँ दिखती हूँ कभी वहाँ दिखती हूँ, तो दो घर का क्या सीन है वो भी मैं बहुत जल्दी क्लियर करूंगी आप लोगों के साथ। बट बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे भाई भाभी मम्मी से अलग रहते हैं, मम्मी से अलग नहीं रहते, मम्मी के साथ ही रहते हैं वो। बट हाँ, कभी खाना यहाँ बन जाता है, कभी वहाँ बन जाता है, यहाँ बनता है तब भी सबका बनता है, वहाँ बनता है सब तब भी सबका बनता है, सारे हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अलग रहते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है, इसलिए वो वीडियोस में नहीं आती है। बट ये है कि हाँ, उसके ऊपर थोड़ा सा ये है कि हम लोग ननंद भाभी की बजाय ना एज अ फ्रेंड ज़्यादा रहते हैं, तो उसको मैं फिर भी चुपके चुपके ले लेती हूँ कभी कभार वीडियो में, मेरी कई कई वीडियोस में वो आई हुई है, बट कैमरा फ्रेंडली नहीं है इसलिए वो नहीं आती है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और दो घर का क्या सिनेरियो है वो मैं आप लोगों के साथ किसी दिन डिटेल में सिर्फ इसी कंटेंट पे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे किसी दिन डिटेल में, है ना। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। और क्या खा रही है बिना दांतों वाली? तो मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना आजकल यार, दो तीन और सब्सक्राइब कर देना ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ चैनल को। और दो तीन वीडियोस से ना मैंने बीच में मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, सॉरी, तो वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आजकल ना वीडियो भी कम देख रहे हो, वीडियो को कम मत देखो यार, आप लोगों का प्यार साथ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को देखा करो, देख के शेयर किया करो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि दो तीन दिन से वीडियोस आप लोग बहुत कम देख रहे हो, तो ऐसा मत करो, अभी बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ की, प्यार की, सपोर्ट की। तो चलिए फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कम बना रहे हो इसलिए कम बना रही हूँ वीडियो, इसलिए कम देख रहे हैं। पहले तो इसलिए सारा अब फोन खराब हो गया ना, मैं क्या करूँ। हुआ कब तक ये तो बता दो। उस दिन हुआ तो था, चार्जिंग नहीं ले रहा था, स्विच ऑफ हो गया था, हो गया था कल दिन। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं वाइंड अप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्यार भरी राम राम, जय माता दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लव यू।